इन होम मिनिस्टर अमित शाह स्पीकिंग राइट नाउ, लेट्स टेक अ लिसन। प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है, इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद। Big statement there from Home Minister Amit Shah says take your statement back. If you believe that you don't want to or that was not what you wanted to say, that you're distributing the wealth among minorities and that to Muslims, then mention it and say it that we aren't interested particularly in fact distributing wealth to minorities, but this is in fact a statement that you must issue, says the Home Minister. A clarification must be given. Amit Shah also referring to the statement of Mr. Sam Pitroda, who earlier today had spoken about inheritance tax, and he, in fact, the Congress has said that this is a statement that the Congress also must clarify on and say that this is not what they intend to do. Listening to what Sam Pitroda nothing wrong in being said, rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you, in your generation, made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री राजी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है, वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं,
इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले, इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है, इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी।